थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू था। देखिए बैलेंस शीट हम आज स्टडी कर रहे हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल के बाद अगला जो स्टेप होता है वो बैलेंस शीट होती है। और बैलेंस शीट के लिए मैंने कहा हेडिंग में रहेगा बैलेंस शीट, नीचे लिखना है एस ऑन, क्या लिखना है एस ऑन, इसमें फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते हैं। फिर मैंने बताया कि बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाएगी और राइट साइड में एसेट्स लिखी जाएगी। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट होता तो हम डीआर सीआर साइड कहते हैं, अकाउंट में हम क्या बोलते हैं डीआर साइड सीआर साइड, बैलेंस शीट को हम कब डीआर साइड सीआर साइड नहीं कहते हैं। बैलेंस शीट के लिए हम क्या यूज करते हैं एसेट साइड लायबिलिटी साइड, लेफ्ट में लायबिलिटी साइड होगी और राइट में आपकी एसेट्स साइड होगी। क्या समझ में आ गया यहाँ तक आपके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। ओके अब देखिए मैं बताना चाहूंगा कि किसको किस तरह से लेते हैं। तो पहले एसेट्स की बात करता हूँ, एसेट्स में एक तो क्या लिखा जाता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कि एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे बहुत सारे हैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीन कंप्यूटर, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा साल की होती है जनरली वो फिक्स्ड एसेट्स होती है। कुछ एग्जांपल दिए और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो कार को जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बाद आएगा इसके अंदर करंट एसेट्स, क्या आएगा करंट एसेट्स। तो वैसे देखा जाए तो एसेट्स तीन होती है, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, क्या क्या होती है फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स तीन होती है। फिक्स्ड एसेट्स के साथ मतलब कि इन्वेस्टमेंट में प्रोटेक्ट में तो एक होता है, करंट एसेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, करंट एसेट्स के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। और करंट एसेट्स होते कौन सी है, अर्लियर आपको मैंने समझाया है कि ऐसी कोई भी एसेट्स जिसको हम विद इन वन ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में उसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी करंट एसेट्स। एक साल के अंदर पैसा मिल जाता है वो करंट एसेट्स होती है। इसलिए करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है कैश, क्या आता है कैश, क्योंकि हमारे पॉकेट में जो कैश है क्या उसको निकालने में पॉकेट के बाहर को निकालना है साल भर लगता है क्या नहीं लगता। इससे सबसे ज्यादा करंट नेचर की जो एसेट्स है वो कौन सी है कैश। फिर है हमारे पास बैंक, बैंक का मतलब हमारे पास पॉकेट में पैसा नहीं है, हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, तो कुछ टाइम तो लगेगा, दो घंटे तीन घंटे या एटीएम पे जाके लगाओ तो टाइम लगेगा, नहीं पॉकेट से निकालने में कम टाइम लगता है, बट एटीएम में जाओगे फिर निकालोगे और थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फिर भी साल भर तो नहीं लगता ना। इसलिए बैंक में क्या होती है आपकी करंट एसेट्स होती है। उसके बाद हम बात करेंगे डेटर्स, इसकी बात करेंगे डेटर्स जिस ग्राहक, डेटर का मतलब कौन होता है ग्राहक, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, जिसको हम क्या करते हैं उधार माल बेचते हैं ग्राहक होता है। और ग्राहक को जाने कितने टाइम भी काटते हैं, आप उधार देंगे तो अगले महीने की स्टार्टिंग क्या बोलेंगे भैया पैसा दो तब आपको आगे वाला उधार मिलेगा आगे माल मिलेगा, तो जल्दी 30 दिन का टाइम लगता है, 30 से 35 जाता है 40 जाता है, इससे ज्यादा नहीं लगता, साल भर तो बिल्कुल नहीं लगता। आप कहीं से सामान लाते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि आज खरीद रही हो साल भर के बाद पैसा लेके आओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हिसाब तो होता है हमारा शॉपकीपर से वो मंथ टू मंथ चलता है, साल भर से कभी नहीं होता है। इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा करंट एसेट्स हुआ,
इसके बाद अगर इसमें दिया दोनों सेम ही है, पहले बता चुका हूँ दोनों सेम है, ये केवल फेथ पे होता है, विश्वास के लिए सिर्फ फेथ पे, ये क्या है रिटर्न में लिखा रहता है, ठीक है हमने कुछ सेल दिया दे दोगे बट ये बात नहीं मानते, विश्वास नहीं करेंगे, स्टैंप पे लिख के दो, बिल बना के दो लाओ जिसमें दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होते हैं, सेलर के और बायर के, दोनों के इसमें सिग्नेचर होते हैं, तो रिटर्न प्रूफ में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे रिटर्न प्रूफ, तो क्या बचाता है ये रिक्वेस्ट कर रही है। फिर क्या आता है स्टॉक आता है, क्या आता है स्टॉक, यानी हमारे दुकान में रखा हुआ हमारे दुकान में रखा माल है, वो आज लाएंगे क्या साल भर बाद कितना, साल भर में तो पता नहीं कितनी बार माल आता है, कितनी बार ही बिक जाता है, साल भर माल तो बिकने में कभी भी नहीं लगता है, माल बिका दूसरा ले आता है, वो बिक गया और ले आता है, वो बिक गया और ले आता है, पूरे साल भर रूटीन यही चलता रहता है। इसलिए अगला करंट असेट्स क्या हुआ स्टॉक। इसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज को क्या हो सकता है, इसमें होता है तो प्रीपेड एक्सपेंस समझा हुआ क्या होता है, एक होता है एक्रूड इनकम, वैसे मैं समझा चुका हूँ आपको पहले ही, प्रीपेड भी समझा चुका हूँ, एक्रूड भी समझा चुका हूँ आपको, दोनों बातों में आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस एक्सपेंसेस, क्या मतलब होता है एडवांस एक्सपेंसेस, यानी हमने किसी इंसान को एडवांस में पेमेंट कर दिया है, अब एडवांस में भी पेमेंट करते हैं कि क्या पूरे साल भर का खर्चा एक महीने का दो महीने का चुका दे, इतना तो एडवांस देते हैं ना, तो वो हमें देना नहीं है, हमें देना है, हमने तो एडवांस दिया है, हम क्या बोले कि पैसा हमने जो दिया वो हमारा है, आपसे वापस लेंगे या हम आप में बांधते हैं, तो जब किसी भी इंसान को हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं तो वो भी हमारे एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं। इधर क्या है एक्रूड इनकम, इसका मतलब क्या होता है इनकम जो आपने अर्न कर ली है बट रिसीव नहीं हुई, वी कैन से इन इजी वर्ड्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न अर्न से अर्न पड़ा है इनकम अर्न तो होगी कमा तो नहीं है लेकिन तो रिसीव नहीं हुई है, तो हम कहीं काम कर रहे हैं काम हमने पूरा कर दिया है लेकिन हमसे पैसे नहीं मिले, तो कमा तो लिया ना पैसे हाथ में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं एक्रूड इनकम बोलते हैं, तो यहाँ पे पैसा हमें लेना ये कुछ हमारी करंट असेट्स होती है। अब मैं बात करूंगा आपका लायबिलिटीज की, याद ना यही बातें मैंने रिपीट होगी, यहाँ पे कुछ बात करूंगा आपके सामने, सबसे पहले यूज करेंगे कैपिटल, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे कैपिटल, इसकी डिस्कशन लास्ट क्लास में की थी, इसी के लिए किए हैं कैपिटल, इस कैपिटल में ऑलवेज हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है मैंने बताया था कि प्रॉफिट को ऐड करते हैं और पता ही लॉस होता होगा क्या तब भी हम इसको ऐड करेंगे, कैपिटल में मैंने नेट प्रॉफिट को ऐड किया क्या लॉस होगा तब भी हम ऐड करेंगे, बिजनेस में तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो लॉस भी हो सकता है, लॉस के केस में क्या करेंगे प्रॉफिट से हमारी कैपिटल बढ़ जाती है इसमें बढ़ा देंगे जोड़ देंगे ऐड कर देंगे, लॉस हो जाएगा तो लेस कर देंगे, और क्या बताया था मैं लास्ट क्लास में आपको लेस क्या करेंगे लेस करेंगे ड्राइंग, सिचुएशन में ड्राइंग भी है तो हम ड्राइंग को लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट ऐड होता है और ड्रॉइंग लेस होता है, तो ड्रॉइंग से पैसा निकालते हैं ना तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है यानी लेस, और मैं आपको बता रहा हूं एडमिन क्या हो सकता है एडिशनल कैपिटल ऐड होगा लेस कैपिटल विड्रॉल, एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे बिजनेस में हमने जो कैपिटल लगाई थी वो कम पड़ गई, हमने हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगाई थी वो कम पड़ गई, तो हम क्या करेंगे हम बिजनेस तो बंद करना चाहेंगे नहीं, हम चाहते हैं कि कम पड़ गई और लगा देते हैं, तो और कैपिटल लगाना एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल नॉन एज एक्स्ट्रा कैपिटल नॉन एज एडिशनल कैपिटल,
इज इट क्लियर? देन कैपिटल कंट्रोल इस पर दस रिवर्स है, हमने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की इंट्रोड्यूस की वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस नेचर हमने ओवर इंट्रोड्यूस कर दी, ज्यादा कैपिटल लगा दी। तो जब ज्यादा कैपिटल हम लगा देते हैं तो उसका मतलब तो कोई रहता नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा ब्लॉक रहे किसी काम का, नहीं हमने ब्लॉक करके रखे क्या मतलब, इससे अच्छा उसको निकाल के एक और यूज कर लें। तो जब ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉ कहते हैं और ये अमाउंट बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो कैपिटल हमें कौन सी होती है, जो होती है ओपनिंग, और लास्ट में जो बाहर आएगी यहाँ पर ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग नहीं होगी, ये कौन सी होती बताइए, ये ओपनिंग कैपिटल है क्या, यहाँ पर भी ओपनिंग कैपिटल होगी क्या, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है पहले से, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो होता है ओपनिंग कैपिटल होती है, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में जो हम सबसे वेरी गुड, हाँ इसको क्लोजिंग बोलेंगे। ओपनिंग कैपिटल में हमें ये एडजस्टमेंट करने होते हैं, और जब ये एडजस्टमेंट हम कर देते हैं तब क्या आता है, तब आपका क्लोजिंग कैपिटल आता है। कैपिटल कंसेप्ट होने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की, नेक्स्ट आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व सरप्लस क्या होता है, बिजनेस जो पैसा कमाता है उसमें से कुछ अमाउंट दूसरे के लिए सेव कर लेता है, इसको बचत कहते हैं, क्या बोलते हैं, बचत, और उस बचत को जमा रखता है अपने पास, उसी को रिजर्व कहते हैं। तो सेकंड नंबर पे यहां पे है रिजर्व सरप्लस का मतलब अपना फंड जो हमने फ्यूचर के लिए भविष्य की सोचकर फ्यूचर के लिए हमने सेव कर रखा है, फ्यूचर के लिए जो सेव कर रखा है, जो हमने एक्सपेंस नहीं किया, उसको खर्च नहीं किया है, वही क्या होता है रिजर्व सरप्लस का मतलब प्रॉफिट का बचा हुआ हिस्सा, ज्यादा प्रॉफिट कितना हुआ। इसके बाद क्या आता है, लोन आता है। इसके बाद क्या आता है, लोन आता है कि बिजनेस ने किस किस से लोन लिया है, बिजनेस ने किस किस से लोन लिया है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, लोन लिखते हैं, बैंक से दे सकता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से दे सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से दे सकता है, किससे भी लोन ले सकता है, बट लोन लिया है तो अपने लिए एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज है, आज लिया है तो कल को पे भी तो करना पड़ेगा। यहाँ तक क्या सबके समझ में आ गया है, समझना भी पड़ेगा, थोड़ा सा लड़ाई करना पड़ेगा, बट समझने में ज्यादा आपको फोकस करना है। क्या आपके सबके समझ में आ गया है, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लास्ट में आएगा करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे लास्ट में आएगा एसेट्स, या क्या था करंट लायबिलिटीज, मतलब ऐसी लायबिलिटीज जिसको हमें विद इन वन ईयर पे करना होगा, इट इज मस्ट टू पे। तो इस नेचर की जितनी भी लायबिलिटीज है जिसको विद इन वन ईयर पेमेंट करना होता है उसको कहते हैं करंट लायबिलिटीज। अब इसमें क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक है अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम, ठीक है, ये यू एन ई ए आर एन के लिए लिखा हुआ है, यू एन ई ए आर ए डी अनर्ड इनकम, ठीक है। अब समझ लो बैंक वगैरह, हाँ लास्ट में है अनर्ड, यू एन ई ए आर एन ई डी, यू एन ई ए आर एन ई डी अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम से ठीक पहले है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले भी इन सबको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या बैंक ओडी, क्या बैंक ओडी का मतलब पता है लोगों को, डू यू नो अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट, डू यू नो अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट, यस और नो, डू यू नो अबाउट बैंक ओवरड्राफ्ट,
ऋतिक अंजुम दोनों अबाउट करते हैं और जब क्या आप जानते हो कि बैंक ऑफ डॉट क्या होता है और बैंक ऑफ डॉट सभी को बताया है ऋतिक ने भी इसकी क्लास अटेंड की है। हाँ मैं फिर से बता दूंगा आपको शायद क्योंकि मैंने क्लास अटेंड नहीं की इसकी पर कोई बात नहीं यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या भूल जाते हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको समझाएं। तो सुनिए अभी याद आ जाएगा आपको कि बैंक में हम जितना अकाउंट हमारे पैसा होता है बैंक में हमारे अकाउंट में जितना पैसा होता है उससे ज्यादा अमाउंट निकालने की जो फैसिलिटी हमें मिलती है बैंक से और याद रखना ये फैसिलिटी केवल बिजनेस को मिलती है आम आदमी को नहीं मिलती है डेवलपर पर्सन को नहीं मिलती है। तो बैंक बिजनेस जब बैंक में अपनी डिपॉजिट राशि अमाउंट से एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकता है इस फैसिलिटी को ही हम क्या कहते हैं बैंक ऑफ ड्राफ्ट कहते हैं। लाइक मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस के अकाउंट में बैंक में 50,000 रुपए डिपॉजिट थे 50,000 रुपए डिपॉजिट थे कितने थे 50,000। अब क्या हुआ कि मुझे नीड हो गई 60,000 की 60,000 की बैंक ने क्या किया डिपॉजिट तो 50,000 बैंक ने क्या किया 60,000 रुपए उसको दिए। तो ये जो फैसिलिटी है ये जो सुविधा है इस सुविधा को ही बैंक अधिविकार से कहा जाता है। क्या अब बात समझ में आ गई कि बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट निकालने की जो फैसिलिटी है उससे हम कहते हैं बैंक ऑफ ड्राफ्ट। और देखिए एक तो था अपना सेविंग अकाउंट एक होता है करंट अकाउंट। ये फैसिलिटी ऑलवेज कौन से अकाउंट में मिलती है करंट अकाउंट में मिलती है उसे कौन पे करंट अकाउंट। बिजनेस का हमेशा बैंक में करंट अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट नहीं होता। किस अकाउंट पे अवेलेबल होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किस अकाउंट पर अवेलेबल होती है करंट अकाउंट में। और इस फैसिलिटी के बिहाफ पर बैंक फिक्स रेट से इंटरेस्ट ब्याज ही लेता है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। अब आप बैंक से इस प्रकार जितना अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज्यादा निकालोगे तो ये तो आपकी लाइबिलिटीज ही होगी ना क्योंकि आपने ज्यादा निकाल लिया वापस देना पड़ेगा और इसको देने में आप साल तक लगाओगे। जैसे पैसे आएंगे सबसे पहले बैंक को क्या कहेंगे ये लो हमने आपसे 10,000 ज्यादा दे दिया पहले पहले तो सबसे पहले इसका पेमेंट करना पड़ेगा। फिर है क्रेडिटर। फिर क्या है क्रेडिटर। उसके बाद मैं कहता हूँ बिल्स पेबल। ये भी क्रेडिटर रखता हूँ तो ब्लर दिख रहा था outstanding expenses और यहां मैं बात कर लेता हूं under debt income। अब क्लियर दिख रहा है ना आपको इसे सब कुछ दिख रहा है आपको अब सब कुछ दिख रहा है आपको ओके। क्रेडिटर क्या होता है क्या पता है आपको क्रेडिटर क्या होता है किसे कहते हैं क्या आपको पता है। हाँ बताइए किसे कहते हैं क्रेडिटर किसे कहते हैं। वेरी गुड। जिससे उधार खरीदते हैं हम माल बेचते हैं मैं दुकानदार हूँ माल बेचता हूँ बेचने के लिए कहीं से लाता ही तो हूँ और यदि मैं उधार लेके आता हूँ जिससे मैं क्रेडिट कुछ परचेज करता हूँ उधार माल खरीदता हूँ उस पर्सन को हम ऑलवेज क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है और यही
यदि हम डॉक्यूमेंट रिटर्न में उसको मेंशन कर लें कि हां आपका लिखित में रिटर्न में आपको दे रहा हूं, तो क्या बन जाता है उस केस में रिटर्न बीपी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी इंसान ने हमारे काम को किया, जो मजदूर हो, कर्मचारी हो, एम्प्लॉई हो या कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस तो हो गया है पर अभी तक हमने प्रेजेंट नहीं किया है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई एम्प्लॉई वर्क कर रहा था, हर महीने उसको 500 रुपए सैलरी दे रहे थे, हम वैसे दे रहे हैं, तो कहीं क्या हुआ कि 5000 रुपए साल भर का हो गया, एक महीने की सैलरी ने दी उसको, एक महीने की सैलरी नहीं दी, सैलरी क्या बाकी है, तो बकाया सैलरी, उस बकाया जो वर्ड है उस बकाया को ही आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर अकाउंटिंग इंग्लिश में बकाया को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसका मतलब हमें देना तो पड़ेगा क्योंकि हमें काम तो करवा दिया है, बट अभी तक हमने उसको अमाउंट पे नहीं किया है, अभी तक हमने उसको अमाउंट पे नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हिंदी में क्या बोलेंगे, बकाया व्यय या अदत व्यय, नहीं दिया गया क्या। अब आपके समझ में आ गया आउटस्टैंडिंग का मतलब, समझ में आ गया बोलते अनपेड एक्सपेंस बोलते हैं किसी किसको, इंग्लिश में कहते हैं अनपेड एक्सपेंसेस। फिर है अनर्ड इनकम, अनर्ड इनकम, यदि हमें, हमने जैसे कहीं काम किया 6 महीने के लिए और हमने वहां से 7 महीने का अमाउंट ले लिया, 1 महीने का ज्यादा ले लिया, तो देना होगा या लेना होगा, उससे वापस नहीं दिया वापस देना पड़ेगा, बताइए देना होगा या लेना होगा, उससे देना पड़ेगा। तो एसेट्स होगी लायबिलिटीज होगी, किसी को देना है तो कभी भी लायबिलिटीज, सॉरी कभी भी एसेट्स नहीं हो सकती, लायबिलिटीज होगी। किसी को देना है, कोई हमें पैसे मांगता है, तो ऑलवेज लायबिलिटीज ही होती है, एसेट्स नहीं होती। हम किसी में मांगते हैं तो वो एसेट्स होती है। क्या आपके ये बात समझ में आ गई है? तो किसी से अनर्ड का मतलब क्या हुआ कि हमने कमाया नहीं, हमने अनर्ड का मतलब हमने काम ही नहीं किया। अन्न अर्ड, अर्ड कमाना, अन्न नहीं उसका कुछ हो गया, अन्न यूएन लग गया इसका मतलब कुछ हो गया कि कोई इनकम है जिसमें हमारा अधिकार नहीं है, या हम ये कहें कि वो अभी तक हमने अर्न नहीं किए, कमाई नहीं है, हमें मिलती है पहले से ही, उसको हम क्या बोलते हैं, अनर्ड इनकम। हिंदी में इंग्लिश में क्या नाम है सर, एडवांस इनकम। ये तो था एडवांस एक्सपेंसेस और इसको बोलेंगे एडवांस इनकम। तो हम कोई जब इनकम एडवांस को ले लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, क्योंकि वो मांग रहे हैं हमारे में, हम किसी को भी पैसा नहीं मांग रहे हैं। तो क्या सभी के बेनिफिट समझ में आ गई है? अभी हमने प्रैक्टिकल ही पढ़ा है, अभी ओनली फॉर्मेट की बात हुई है, अभी किसकी बात हुई है, ओनली फॉर्मेट की बात हुई है, अभी तक हमने इसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया है। वेरी गुड, तो ये बताइए बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, और राइट साइड में जनरली एसेट्स में क्या क्या आता है, जनरली एसेट्स में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या लिखते हैं एसेट्स में, टाइप ऑफ एसेट्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग एसेट्स के कितने टाइप हो गए, नहीं अरे ये रही ना, सबसे पहले कौन सी, फिक्स्ड एसेट्स, ये तो फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट है, सबसे पहले कौन सी, फिक्स्ड एसेट्स, फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है करंट एसेट्स। क्या बात समझ में आ गई आपके, फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट और ये करंट है, करेंसी नहीं है, CURRENT करंट है। ठीक है, अब लास्ट में दोनों तरफ यह कंप्यूटर के बाद लास्ट में दोनों तरफ क्या लिख सकते हैं,
इधर लिख सकते हैं अदर लायबिलिटीज और इधर लिख सकते हैं अदर एसेट्स। इधर क्या लिखते हैं अदर लायबिलिटीज और इधर क्या लिख सकते हैं अदर एसेट्स। एंड आई थिंक अब आपको मैंने सीखा ओनली फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, परफेक्ट समझ में आ गया, ये कभी नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी तक हमने और थ्योरेटिकली इसको पढ़ा है। जब हम इसको न्यूमेरिकली पढ़ेंगे तो फिर आपके परमानेंट भी समझ में आ जाएंगे। Is it clear? Any problem? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ठीक है, इनडायरेक्टली सॉरी कमीशन रिसीव किया कहाँ लिखा जाएगा? कमीशन रिसीव किया कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग में लिखेंगे, पेंडल में लिखेंगे या बैलेंस शीट में? बताइए कमीशन रिसीव किया इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? कहाँ लिखोगे किस इसको आप? पेंडल में। कितने लोगों का आंसर पेंडल है? संजो का आंसर सही है पेंडल में। ऋतिक एसेट्स में क्यों आएगा? हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं एसेट्स क्यों हुआ? इनकम नहीं हुई क्या? कमीशन रिसीव कर रहे हैं हमने कहा था सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम होती है, सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है। इनडायरेक्ट इनकम होती है और इनडायरेक्ट इनकम ऑलवेज धनराम जो बोलो इनडायरेक्ट इनकम ऑलवेज इनकम लिखा हुआ है ना, इनकम कभी भी डीआर साइड में नहीं आती है। मैंने बोला था कमीशन रिसीव्ड लास्ट में बोल दिया था रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी इनकम, इनकम कभी भी डीआर साइड में नहीं आती है, सीआर साइड में आती है। आपका आंसर करेक्ट था कि पेंडल में बट डीआर साइड नहीं, इस तरफ सीआर साइड में। डीआर साइड में एक्सपेंसेस आएंगे आई मीन खर्चे आएंगे, सीआर साइड में इनकम आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देयर आर टू फॉर्मूलास। फर्स्ट व्हाट इज फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट बिल्कुल सही है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट, आई मीन व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इसके लिए क्या था? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सेकंड फॉर्मूला। हाँ ये भी आपको सही है कि ट्रेडिंग अकाउंट पे टीआर साइड जो भी आ रहा है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लो, बिल्कुल सही है। लेकिन पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट पे टीआर साइड में क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो सभी लोग पढ़ा करो, ये नहीं कि पहले का पढ़ रहे हैं, जो पहले का पढ़ा उसको छोड़ देते हैं, आगे वाला पढ़ते रहते हैं, इसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। पहले वाला तो आप भूल जाओगे और जब फ्यूचर में मान लो कभी भी उसकी नीड होगी तो आपको लगेगा ये तो पढ़ा था, ये तो नया है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो वो टॉपिक जिन जिनको याद है उनके आगे अच्छे समझ में आएगा, वो जो भूल गए हैं उनके फिर समझ में नहीं आएगा। तो हमारा एफर्ट और आपका टाइम दोनों वेस्ट किया ना, इसलिए बैंक का जो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से, जब भी टाइम इन्वेस्ट करते जाते हो अभी आप घर पर ही हो, टाइम होना मिलेगा, गारंटीज कैसे की थी, लेजर कैसे की थी, ठीक है, वो सारी चीजें ट्रेलेंस वगैरह जो सारी चीजें आप रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट 7 डेज में आपका टेस्ट होगा, आपको पेपर क्वेश्चन पेपर है तो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, उसका आंसर आप मुझे सेंड करोगे, मैं चेक करके आपको उसके मार्क्स बता दूंगा। तो विद इन 7 डेज आपका टेस्ट होगा, टेस्ट कौन कौन सा चैप्टर होगा बता देता हूँ।
एक जो एंट्रीज वाला चैप्टर, चलो ओनली एंट्रीज का ले रहा हूं, ओनली जनरल एंट्रीज का चैप्टर जो टेस्ट होगा वो सबका पढ़ा हुआ है किस तरह से एंट्रीज करते हैं, तो मैं ओनली जनरल एंट्रीज का टेस्ट दूंगा। इसलिए आप प्रिपरेशन करते रहना इजीली। ओके, थैंक यू सो मच।